हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्वास्थ्य का जगह डर में। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में लखनऊ यूनिवर्सिटी से संबंधित जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों, देखते हैं वीडियो को लास्ट तक, देखिएगा वीडियो को लास्ट तक, आपको इंपॉर्टेंट जानकारी ही मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो को बिना काटे हुए वीडियो को देखिए या वीडियो, क्योंकि बहुत ही यूजफुल होने वाली है लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को चल दिए, फिर पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ते हैं। दोस्तों, वीडियो में आपको जानकारी मिल रही है कि परीक्षा का, जो लखनऊ विश्वविद्यालय की परीक्षा, जो UGC की परीक्षा होता है, उसका समय जो है घटा कर 2 घंटे किया जाए। और ये UGC ने निर्देश दे दिए हैं कि जितने भी BA, BSc और BCom के छात्र हैं, उनके लिए निर्देश है कि उनका समय घटा कर 2 घंटे कर दिया गया है। और जो है ये खबर, ये जो आपको न्यूज़पेपर पढ़ाई जा रही है, तो दोस्तों ये आपको, ये न्यूज़पेपर हिंदुस्तान न्यूज़पेपर से आपको पढ़ाई गई है, तो यह कोई फेक न्यूज़ नहीं है। चाहे तो आप आज का न्यूज़पेपर देख सकते हैं, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर आप देख लीजिए, आपको प्राप्त जानकारी प्राप्त हो जाएगी, वरना आप इस वीडियो में भी सही जानकारी आप प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, चलिए फिर आगे पढ़ते हैं, आगे हमें देखते हैं क्या जानकारी प्राप्त होती है। कोरोना संक्रमण व लॉकडाउन को देखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने नए सत्र के लिए विश्वविद्यालयों को परीक्षा से जुड़ी गाइडलाइन जारी की है। इसमें परीक्षा का समय कम करने को कहा है। UGC ने कहा है कि 3 घंटे के बजाय परीक्षा 2 घंटे में कराई जाए। इसमें एक दिन में 3 पालियों में परीक्षाएं कराई जा सकती हैं। प्राविधिक विश्वविद्यालय में गाइडलाइन की समीक्षा के लिए कमेटी गठित की गई। उधर NICTI की गाइडलाइन का इंतजार किया जा रहा है। AKTO के अधिकारी के मुताबिक UGC ने परीक्षा का समय कम करने के निर्देश इसलिए दिए हैं कि छात्रों की परीक्षाएं जल्दी समाप्त हो जाएं, उनका रिजल्ट भी समय से घोषित किया जाए। खासकर अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा जल्दी कराने के निर्देश है। गाइडलाइन के अनुसार 3 घंटे का पेपर 2 घंटे में कराने की बात कही गई है। इसमें एक दिन में 3 पालियों में परीक्षाएँ कराई जा सकती हैं। विश्वविद्यालय को 20 दिन परीक्षा का कार्यक्रम बनाने की जगह 10 दिन में ही कराने के निर्देश दिए गए हैं प्रशासन के द्वारा। इसमें परीक्षा जल्दी समाप्त होगी और रिजल्ट भी जल्दी घोषित हो जाएगा। और इस परीक्षा करवाने को सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। AKTO ने 3 मई के बाद अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा आयोजित करने की तैयारी में है। परीक्षा के समय छात्रों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करने का निर्देश है। छात्रों को मास्क पहनने के लिए कहा जा सकता है। AKTO के परीक्षा नियंत्रक राजीव कपूर बताते हैं कि परीक्षा को लेकर UGC ने गाइडलाइन जारी की है। इस परीक्षा समिति के बीच रखा जाएगा, उसके बाद कोई निर्णय होगा। दोस्तों, अभी यह पूरी तरह से निर्णय नहीं लिया गया है कि अभी मई में ही परीक्षाएं होंगी। अगर जैसा कि अभी आदेश लॉकडाउन का होगा कि अगर 3 मई के बाद लॉकडाउन खुल जाएगा तो परीक्षाएं जल्द से जल्द हो सकती हैं, चाहे वो सेमेस्टर परीक्षा हो या वार्षिक परीक्षा हो। दोस्तों, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते रहें। दोस्तों, एक अलग जो उसमें हेडलाइन पड़ी है, तो दोस्तों उसको भी पढ़ लेते हैं। LU ने शिक्षकों को किया था जागरूक, देखते हैं क्या क्या उन्होंने कहा। लखनऊ विश्वविद्यालय के समाज कार्य विभाग के शिक्षकों को गुरुवार जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। शांतिपुर टाल कटोरा रोड और आलमबाग स्ट्रीट वंडर दिहाड़ी मजदूर और होम क्वारंटाइन बच्चों को मास्क, दस्ताने और खाद्य सामग्री भी बांटी है। प्रोफेसर अनुप कुमार भारती ने शांतिपुरम आलमबाग के कुछ क्षेत्रों में अभियान भी चलाया। तो दोस्तों, आपको इस जानकारी से तो ज़्यादा मतलब नहीं है, तो दोस्तों आप सिर्फ वाला पॉइंट नोट करिए कि आपको इसमें जानकारी प्राप्त हुई है कि आपका पेपर कभी भी हो सकता है। अगर आपके 3 मई के बाद आपका लॉकडाउन खुल गया तो आपका पेपर 20 दिन बाद डेट निकल आएगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप तैयारी घर पर करते रहिए और अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिए। दोस्तों, और आप बने रहिए हमारे साथ अपडेट के साथ, तो आपको ऐसी जानकारी मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल स्वास्थ्य का जगह डर को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको हम ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देते रहें। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो दोस्तों, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और आपको UGC लखनऊ विश्वविद्यालय संबंधित सभी जानकारी आपको प्राप्त होती रहेंगी। तो दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।